हेलो गाइस, आज हम आपको अपने प्राचीन झंडे के बारे में बताने जा रहे हैं कि हमारा तिरंगा तिरंगा बनने से पहले किस किस रंग का हुआ करता था। 1921 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक झंडे को अपने अनौपचारिक झंडे के तौर पर मान्यता दी थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया द्वारा मनाया या डिजाइन किया गया था। झंडे में लाल और हरा रंग था जो भारत के दो प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करता था। पिंगली वेंकैया ने जब इस झंडे को गांधी जी के पास लेकर पहुंचे तो गांधी जी ने इस झंडे पर सफेद रंग और चरखे को भी लगाने की सलाह दी। सफेद रंग भारत के बाकी धर्मों और चरखा स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर होने का संकेत देता था। 1923 में नागपुर में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान हजारों लोगों ने इस झंडे को अपने हाथों में थाम रखा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस झंडे का इस्तेमाल किया था। इसी दौरान झंडे के रंगों को धर्मों से जोड़ने पर विवाद भी होने लगा। कई लोगों ने झंडे में चरखे की जगह गदा भी जोड़ने की मांग की। कई लोग झंडे में एक और गेरो रंग जोड़ना चाहते थे। इस झंडे में सिख लोगों ने भी यह मांग की थी कि इस झंडे में हमारे पीले रंग को जोड़ा जाए, अगर नहीं जोड़ा जाएगा तो सभी तरह के धार्मिक प्रतीकों को हटाया जाए। इस विवाद को सुलझाने के लिए सन 1931 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 7 लोगों की एक कमेटी बनाई। कमेटी ने यह सलाह दी कि इस झंडे को केवल एक ही रंग का होना चाहिए। कमेटी का यह सुझाव किसी ने नहीं माना। इसी साल कांग्रेस ने पिंगली वेंकैया के बनाए इस झंडे को पार्टी के आधिकारिक झंडे के तौर पर मान्यता दे दी। आजादी के बाद संविधान समिति ने कांग्रेस के इसी झंडे को कुछ बदलावों के साथ भारत देश का झंडा बनाने का फैसला किया। इस झंडे में एक बड़ा बदलाव चरखे को लेकर था। झंडे के बीच में जो चरखा था उसकी जगह अशोक चक्र लगाया गया। इस झंडे को पहली बार 22 जुलाई सन 1947 के दिन आधिकारिक तौर पर भारत में फहराया गया। आजादी के बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बन चुका था, लिहाजा झंडे के रंगों की धर्मों के आधार पर व्याख्या को पूरी तरह से बदल दिया गया। ये कहा गया कि इस झंडे के रंगों का धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने इस झंडे के रंगों को लेकर ये कहा कि केसरी रंग त्याग या उदासीनता को दर्शाता है। हमारे नेताओं को भौतिक लाभ के प्रति उदासीन होना चाहिए और अपने काम के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। झंडे के बीच में सफेद रंग एक प्रकाश है जो हमारे आचरण के मार्गदर्शन के लिए सत्य का रास्ता बताता है। हरा रंग मिट्टी और पर्यावरण से हमारे संबंध को दर्शाता है। झंडे के बीच में जो अशोक चक्र है वो धर्म के न्याय का पहिया है। इस झंडे के तले काम करने वाले लोगों का सिद्धांत सत्य होना चाहिए, साथ ही ये गति का प्रतीक भी है। इसके बाद से अब तक भारत के झंडे में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि भारत के नागरिकों को राष्ट्रीय पर्व के अलावा किसी भी दिन अपने घर या दुकानों में झंडा फहराने की इजाजत नहीं थी, पर 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किए गए। आज हर भारतीय नागरिक किसी भी दिन अपने घर, दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस में सम्मान के साथ झंडा फहरा सकता है। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, लव यू ऑल।